कोई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, हमसे ज्यादा इश्तेहार छपते थे, बड़े रौले थे, किधर है वो आज? खत्म हो गई बात। थोड़ा सा ना जाने की तैयारी भी, वो कुछ पैसे नहीं साइड थे सियाने के अंदर रख छड़ने चाहिए ने, मुश्किल आ जाते काम आते ने, इस तरह कुछ नेकियां भी साइड पे रखे किसी को पता ना चले, ताकि कब्र में हशर में काम आ जाए कुछ चीजें साइड पे। मेहरबानी करो, इतना ज्यादा दूसरों के लिए जीना, हर वक्त दूसरों की बात करना, अपने आप को टाइम दो। हजरत उमर फरमाया करते थे, अपना हिसाब कर इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे, तो अपना हिसाब कर, कुछ ड्यूटी करें, कोई थोड़ा थोड़ा काम करे। देखो ना यार, घर वालों से चोरी, यारों के साथ रोटी भी तो खाई आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शायद घर बतानी जरूरी है, घर वालों से चोरी मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है खरीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। आप इतने प्यारे लोग हैं, दीन की बात सुनने इतने सारे आप आए हैं। एक मेरी अपील है, जिसने असर नहीं ना पड़ी उसने दुआ के फौरन बात पढ़ लेनी है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर ले। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है, हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूँ लगता है कि साया भी साथ नहीं, फिर दुआओं की जरूरत पड़ती है रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करे। अल्लाह के हुजूर हाजिरी देने का मिजाज बनाएं, अपने आप को रब से जोड़ें, कोई खैर इकट्ठी करने की कोशिश करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात करते जहाँ मैं भूल गया हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे